बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में एक के बाद एक लगातार पुल ढहते जा रहे हैं। बिहार में पुलों के गिरने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया, जो राज्य में एक हफ्ते से भी कम समय में पुल गिरने की तीसरी घटना है। इससे पहले बीते शनिवार को सिवान और मंगलवार को अररिया में भी पुल ढह गया था। बता दें कि बीते दिन पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पर हुई। इसे 2 करोड़ की लागत से बनाया गया था। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इसी बीच ये पुल ढहकर गिर गया। मोतिहारी के अंबा प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए राज्य के ग्रामीण निर्माण विभाग यानी कि RWD द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। पुल निर्माण की जिम्मेदारी धीरेंद्र कंस्ट्रक्शन मोतिहारी को मिली थी। गांव के लोग पुल बनने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। उनका आरोप है कि पुल बनने में जिस स्तर का माल प्रयोग होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि पुल ढहने में कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले शनिवार को सिवान जिले में एक छोटा सा पुल ढह गया था। ये पुल सुबह करीब 5 बजे ढहा, जो कि दरौंदा और महाराजगंज ब्लॉक के गांव को जोड़ने वाली नहर पर बनाया गया था। इसके जिलाधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ये पुल बहुत पुराना था और संभवतः नहर से पानी छोड़े जाने पर खंभे ढह गए। इससे पहले मंगलवार को भी अररिया जिले में करीब 180 मीटर लंबा नवनिर्मित पुल ढह गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया गया था। यह पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुल धड़ाम होकर गिर गया। सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन को पुल निर्माण के जांच की जिम्मेदारी मिली थी। अब इनका कहना है कि नदी की वक्र प्रवृत्ति की वजह पुल गिरने का कारण है। विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने ठेकेदार सिराजुर रहमान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उसे ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में अगर पिछली घटनाओं पर नजर डालें तो 2 साल में कई पुल ऐसे हैं जो गिर गए हैं। बिहार में ये पहला मामला नहीं है जिसमें कोई पुल निर्माण के दौरान ही जमींदोज हो गया हो। बीते 1 साल में बिहार में पुल गिरने की लंबी फहरिस्त है। इसी साल मार्च में सुपौल में शुक्रवार को निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा खगड़िया पुल हादसा भी सामने आया। पिछले साल 4 जून को खगड़िया के अगुवानी घाट गंगा पर निर्माणाधीन पुल 3 पाया समेत पूरा सेगमेंट गंगा में समा गया था। इसके अलावा फरवरी 2023 में पटना में एक पुल गिरा था। खगड़िया हादसे से पहले बीते साल फरवरी महीने में राजधानी पटना में बन रहा एक निर्माणाधीन पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। साल 2022 के 18 नवंबर को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। सहरसा में करीब 2 साल पहले निर्माण के दौरान एक पुल गिर गया, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना 9 जून 2022 को हुई थी। इस तरह से बिहार में एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है, जहां पर पुल गिरने की तमाम घटनाएं शामिल है। बता दें कि बिहार में पुल गिरने की घटना काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लगातार सरकार और कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।